नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम स्वाद और सेहत में। जब बात आती है ना भूख की, तो उस समय मन करता है कुछ भी ऐसा बन जाए जो झटपट सा बने और हमारे सामने आकर पेश हो जाए। तो मुझे याद आया मेरा बचपन का पोहा। बचपन में खेलने के बाद मम्मी प्लेट में परोसती थी पोहा, और जिसमें हम छांटते थे मूंगफलियाँ कि कितनी मूंगफलियाँ हमें मिली हैं। पोहे में मूंगफलियाँ डालो या फिर कटे हुए प्याज डालो, जो सेहत के लिए तो अच्छे होते ही हैं, खाने में भी बेहद लाजवाब लगते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक रसोई घर में, जहाँ पर तैयार होगा ऐसा ही लाजवाब पोहा। मगर पोहे के साथ कुछ ट्विस्ट है। जी हाँ, पोहे को परोसेंगे एक बड़ी ही टेस्टी चटनी के साथ, जो चटनी भी तैयार होगी उसी मूंगफली से। तो आइए चलते हैं रसोई घर में और सीखते हैं कैसे बनता है ट्विस्टेड पोहा। अब हम पहुंच चुके हैं रसोई घर में, जहाँ पर सुमन जी हमारे साथ हैं। हेलो सुमन जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुमन जी हमें सिखाएंगे एक झटपट रेसिपी, है ना, और उस रेसिपी का नाम है पोहा। तो आइए सबसे पहले सुमन जी से जानते हैं कि यहाँ पे पूरी तैयारी हुई हुई है, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डलेंगे पोहे में, हाँ बताइए हमें। हाँ, सबसे पहले तो हमें पोहा लेना है। दो कप हम पोहा लेके और उसको पानी में भिगा लेंगे। भिगाने के बाद तुरंत उसको हम छन्नी पे रख लेंगे, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो मसाले और चीज़ें लेंगे वो हैं कटी हुई प्याज, उबले हुए आलू, नमक, करी पत्ता, राई या सरसों, भुनी हुई मूंगफली, लाल मिर्च, हल्दी, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और उबली हुई मटर। तो आइए शुरू करते हैं पोहा। तो मैम कीजिए शुरू। हाँ, सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, जो भी आप खाते हो। और तेल जब गर्म हो जाए, राई डालेंगे। राई अच्छी तरह तड़क जाएगी तो फिर हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के साथ ही हम इसमें करी पत्ता डाल देते हैं और कटे हुए प्याज से तेल में डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता, प्याज के साथ ही हम मटर डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह पक जाए। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे तो प्याज अच्छी तरह भुन जाए, जब तक कि उसकी गुलाबी रंगत ना हो जाए। अब हम इसमें हल्दी मिला लेंगे। हल्दी के साथ ही हम इसमें उबले हुए आलू भी मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते हुए हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्दी को थोड़ा पकाना जरूरी है, नहीं तो उसका कच्चा स्वाद लगता है। लाल मिर्च हम सबसे अंत में डालेंगे जब ये फ्राई हो जाएगा। अब ये प्याज अच्छा गुलाबी हो गया है, लाइट ब्राउन कलर जब दिखने लग जाए तब आप इसमें लाल मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से मिला लें। ये तैयारी करने में हमें 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट में हमारी प्याज भी पक गई है और मटर भी गल गई है। अब इसके बाद हम इसमें ये भिगोया हुआ पोहा अच्छे से उसको भुरभुरा कर लेंगे और मिला देंगे। और अब आंच धीमी करके पोहे में प्याज और आलू का जो मिक्सर है उसको अच्छे से मिला लेंगे, खूब अच्छी तरह चला के। देखिए, इसमें पोहे में बहुत सुंदर रंग आया है। मटर की वजह से इसमें हरा रंग और हल्दी प्रॉपर पड़ी है तो उसमें पीला रंग, ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में भी।
अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसमें कुटी हुई मूंगफली को मिला लेंगे। अब ये हमारा पोहा बिल्कुल बनके तैयार है। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हम पोहे के साथ जो चटनी, चटपटी चटनी हमारी है, उसको तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए भुनी हुई या तली हुई मूंगफली, 1 कटोरी दही, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, हरा धनिया, 1-2 कली लहसुन और नमक। इन सभी को हम मिक्सी में डाल के और महीन पीस लेंगे, जैसे कि मैंने ये पहले से तैयार करके रखी हुई है। देखिए, चलिए हम सर्व करते हैं पोहे को चटनी के साथ। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस पोहे को हम गार्निशिंग करेंगे इसकी, तो इसमें हम ये महीन वाले सेव डालेंगे, नमकीन, कटा हुआ हरा धनिया और कुछ तली हुई मूंगफली से इसको सजाएंगे। अब ये पोहा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमारा पोहा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सुमन जी, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें राई भी है और मूंगफली भी है और सेम भी है। हाँ। और चावल से बना ये जो हमारा पोहे है। हाँ। तो ये सब तरह से, हर तरह से सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें हल्दी डाली गई है जो हर इंसान की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज का ये पोहा है, इसमें आलू भी नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ। जो आलू में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो काफ़ी देर तक अगर हम कुछ ना खाएं तब भी चल जाता है। हाँ। तो अब ये पोहा हमारा एकदम सर्विंग के लिए रेडी है। तो आइए करते हैं इसे टेस्ट। और इसके साथ चटनी, इसके साथ बनाई गई है बहुत ही डिलीशियस मूंगफली और दही से तैयार हुई चटनी। बहुत टेस्टी है सुमन जी, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाना भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने शुरू किया था एपिसोड एक कहकर कि आज हम सीखेंगे एक झटपट रेसिपी, तो वाकई ये बिल्कुल झटपट है। इसमें कुछ भी लंबा तामझाम नहीं है, आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। बच्चों की बेहद दिल के करीब है ये रेसिपी। शाम का चाहे नाश्ता हो या सुबह का नाश्ता, किसी भी समय आप इसे खा सकते हैं। फिलहाल आपको मैं छोड़े जा रही हूँ इस रेसिपी के साथ। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और खुद दिखाइए। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।